नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ अंजलि। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यहां निकलने वाली पारंपरिक शोभा यात्रा की तैयारी तेजी से हो रही है। दीपोत्सव के दिन साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए नया घाट चौराहे तक जाएगी। इस बार यहां 11 झांकियां निकाली जाएंगी। भगवान राम के जन्म काल से लेकर राज्याभिषेक तक की यात्रा इन झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। वहीं दीपोत्सव में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रामायण कालीन शिक्षा पर आधारित सामाजिक संदेश देने वाली झांकी होगी। नगर भ्रमण करने वाली झांकियों से संबंधित कलाकार 11 रथ पर सवार होंगे, जो अपनी कला के जरिए रामायण कालीन दृश्यों को जीवंत करेंगे। बता दें कि झांकियां से जुड़ी आयोजन 8 नवंबर को होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा दीपोत्सव है, जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। करीब 21 लाख दीप जलाकर राम की पैड़ी पर फिर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भगवान राम के लिए 8 फीट ऊंचा सोने का सिंहासन तैयार किया जा रहा है, जिस पर भगवान राम विराजमान होंगे। वहीं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।